कासगंज में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं के दृष्टिगत सोरो के लहरा घाट का निरीक्षण किया। घाट पर सीसीटीवी कैमरे और साउंड व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई। पालिका को 24 घंटे में व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। जिले में सावन मास कांवड़ मेला 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। मेले में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व अन्य प्रदेश से आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी और असुविधा ना हो, उनकी सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। जिलाधिकारी मेधा रूपम, एसपी अपर्णा रजत कौशिक, समस्त विभाग के अधिकारियों के लिए जिलाधिकारी मेधा रूपम, एसपी अपर्णा रजत कौशिक, समस्त विभाग के अधिकारियों के संग व्यवस्थाओं को देखने के लिए लहरा गंगा घाट पहुंची। घाट पर सीसीटीवी कैमरे और साउंड की व्यवस्था ना दिखाई देने पर डीएम ने नाराजगी जताई। कांवड़ मेला स्टार्ट होने वाला है, बहुत भारी संख्या में अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं, इसको लेके क्या व्यवस्था की है? अभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और प्रयास ये रहेगा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। शौचालय की इस बार संख्या बढ़ाई गई है और साथ में चेंजिंग रूम्स की भी संख्या बढ़ाई गई है। डस्टबिन्स रहेंगे निरंतर, मे आई हेल्प यू डेस्क भी लगेगी। साथ में जो लाइटिंग की व्यवस्था है उसको बढ़ा रहे हैं और साइनेजेस रहे लगा दी गई हैं, बल्लियाँ भी लग गई हैं, जैसे कि इसके आगे खतरा है, इस प्रकार की वार्निंग्स भी रहेंगी। वॉच टावर्स ही बन रहे हैं, निरंतर हम सभी ऑन ड्यूटी रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, मेडिकल टीम रहेगी, एम्बुलेंस रहेगी, कुछ भी होगा हम लोग सब सहयोग के लिए हैं। मैम, कहीं जाए या गोताखोरों की क्या व्यवस्था की है? पहले तो पीएससी के कैंप भी आया करते थे। गोताखोरों की यहाँ पे व्यवस्था है, हमारे पास बोट्स भी हैं, गोताखोर भी हैं, उनकी एक ट्रेनिंग भी हम लोग रखने जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो हम लोग सब निरंतर रहेंगे। मैम, कहा जाए रोड की जो व्यवस्था है, 2.5 किलोमीटर का रोड है, ऊबड़ खाबड़ रोड पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्री के लिए परेशानी का सबक बन सकती है। रोड पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ शहर में गड्ढे हैं उधर गड्ढा मुक्ति के लिए लगे हुए हैं। साथ में बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन का भी काम चल रहा है एंड साथ में प्रयास रहेगा कि पीए सिस्टम भी रहे, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो उसके लिए थाने और चौकियों के पास हर जगह एक मे आई हेल्प यू डेस्क बनाई जा रही है। उस पर लोकल जो एक्सियन हाइडल जो भी हाइडल डिपार्टमेंट के रहेंगे वो रहेंगे, स्वास्थ्य टीम के लोग रहेंगे और राजस्व, साथ में नोडल अधिकारी और पुलिस फोर्स भी रहेगी। तो कुछ भी प्रकार की अगर असुविधा होती है उसके लिए हम लोग हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।